राधा कृष्ण जय जिनेन्द्र सा। मैं से रुचि शिपा, हेल्दी चाय खाना, चाय चैनल रेसिपी, हेल्दी चाय नाश्ता और मेरे सभी चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए बनाते हैं खस्ता पीला खाजा, इसे मठड़ी भी कहते हैं। बनाना बहुत आसान है, इसके लिए मैंने क्या क्या लिया तो फिर झटपट से बनाइए। फिर मैंने मैदा लिया, नमक, अजवाइन, करौंजी जिसे रायता भी बोलते हैं, और मोइन के लिए मैंने घी लिया, चाहे आप तेल भी ले सकते हैं। तो फिर चलिए बनाते हैं। एक बोल में मैदा लीजिए, जरा से अजवाइन, करौंजी, नमक, स्वाद अनुसार अभी इन सब चीज़ों को मिला लीजिए। डालेंगे मोयन, मोयन डाल के मिला लीजिए। हम डालेंगे जरा से हल्दी, जरा से डालेंगे हल्दी डाल के मिला लीजिए। मोयन इतना डालना है, ऐसे लड्डू बन जाए एकदम खस्ता और सॉफ्ट खाजा मछली बनेगी। तो चलिए फिर पानी से सानते हैं इसे, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इस तरह से दो को तैयार करना है, न ज़्यादा कट्ठा न ज़्यादा नरम। ये इस तरह से एक दो मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। पता लगाकर एक दो मिनट के लिए रख दीजिए। पर्स को साफ कर लीजिए किसी कपड़े से, पर्स को साफ कर लीजिए किसी कपड़े से। इसकी छोटी छोटी नोई बनाएंगे, पहले से इस तरह से मथना है आटे को, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। होली स्पेशल में बनाइए खस्ता पीला खाजा। मैं तुरंत बताऊंगी तो खाने का झंझट नहीं, बस बेलो और तलो। इस तरह से छोटी छोटी इसकी वही बनाए, इस तरह से ये इस तरह से सारे वही बनाने, वही बना के एक साथ रख दीजिए। लोई को एक बर्तन में ले लीजिए, इस तरह से बनना है। इस तरह से बेलिए, प्लेट में ले लीजिए, चम्मच से इस तरह से ऐसे कर दीजिए ताकि ये फूले नहीं। इस तरह से पतला बनाया, चाहे तो आप मोटा भी बना सकते हैं, लेकिन तुरंत ले ले और तुरंत तलूंगी मैं। चलिए एक प्लेट बना दिया, तो फिर चलिए इसको तलते हैं। गैस को मैंने ऑन किया, गैस पर कढ़ाई रखी, डाला घी, आप तेल में भी बना सकते हैं। घी गर्म हो गया, देखिए जब घी गर्म हो जाएगा, घी गर्म हो गया है, बना रही हूँ सबका खाजा, मठड़ी भी बोलता है, ठीक है करके डाले। गैस के आज को पहले तेज करना है, फिर धीमा करना है।
पलट लीजिए। तेल के आंच को धीमा कर दीजिए। और होली स्पेशल रेसिपी में बनाइए। खस्ता पीला खाजा धीमी आंच में देखना है, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अपना उठाने का झंझट ले लो और तुरंत तलो, एकदम सॉफ्ट बनते हैं। ले लीजिए कोई प्लेट में। इसी तरह बनाइए सारे। और बस कुछ ही मिनट में बनाइए खस्ता पीला खाजा। और ये बन गए खस्ता पीला खाजा। बनाना बहुत आसान है, तो इस होली में बनाइए। होली स्पेशल रेसिपी में बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट। तो फिर चलिए बनाइए।